बच्चों का टिफिन हो, डिनर या लंच, बनाइए ट्रिपल लेयर पाव भाजी पराठा। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने देना है और अब डाल दीजिए 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। इसे 30 से 40 सेकेंड कुक कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चॉप्ड ग्रीन ऑनियन, मीन्स हरा वाला प्याज। अगर ये नहीं है, आप नॉर्मल जो अपना रेड ऑनियन या वाइट ऑनियन आता है उसे चॉप करके डाल सकते हैं। इसे भी 30 से 40 सेकेंड कुक कर लेंगे। ये 30 से 40 सेकेंड कुक हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप चॉप्ड कैबेज, मीन्स पत्ता गोभी। इसे प्याज के साथ ही कुक कर लीजिएगा, नहीं तो इसका एक अलग सा स्मेल आता है, इस समय कुक करने से वो निकल जाएगा। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। पत्ता गोभी और हरा प्याज कुक हो गया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन, इसे ज़रूर डालिएगा। बेसन डालने से स्टफ पराठा, जब हम स्टफिंग करते हैं तब बहुत ही आसानी से स्टफ़ हो जाता है। 1 मिनट भून लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर कुछ चॉप सब्जियाँ रेडी रखी हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ जब तक ये भून रहा है। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का ग्रेटेड गाजर ले लिया है, 1 कैप्सिकम और 1/2 कप ले ली है चॉप्ड बीन्स, 1/2 कप गोभी, इसे भी थोड़ा रफली चॉप्ड कर लिया है, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मटर, 1/2 कप ब्रोकली और 2 आलू को छील कर चॉप्ड कर लिया। ये सभी कच्ची सब्जियां हैं, उबली हुई नहीं है, बिना उबाले ही बना रही हूँ मैं और अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। उबालने के बाद इसमें आ जाता है पानी, उसकी वजह से मिक्स वेज स्टफ पराठा बहुत टेस्टी नहीं लगता है। ये सभी सब्जियां मैं एक साथ डाल दे रही हूँ। इसमें से मैंने सिर्फ ब्रोकली को बॉईल करके रखा है, बाकी कोई भी सब्जी बॉईल नहीं है। ब्रोकली थोड़ी सी ब्लांच की हुई है क्योंकि ब्रोकली को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये सभी सब्जियां मैं एक साथ डाल दे रही हूँ। इसे ऊपर नीचे कर देंगे और फिर डाल देंगे नमक। फ्लेम को मैंने बढ़ा लिया है। आपके फ्रिज में जो भी और सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली सब्जियां आप डालें, आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सब्जियों को भून लेने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ का चॉप टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने से ये अच्छे से कुक हो जाएगी क्योंकि टमाटर से इसमें पानी छूट जाता है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है, 3 से 4 छोटे चम्मच पानी डाल सकते हैं, पर टमाटर से टेस्ट भी बढ़ जाता है और पानी भी आ जाता है, कुक होने में हेल्प हो जाती है क्योंकि हमने सब्जियों को उबाला नहीं है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं, पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा पाव भाजी मसाले के साथ। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी न्यू लग रही है, पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अब इसे ढककर कुक कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे चला लेंगे और कुक होने देंगे। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, पर अच्छे से सॉफ्ट होने देना है क्योंकि हमें इसे मैश करना है। चलिए देख लेते हैं सब्जी कुक हुई है या नहीं। देखकर तो लग रही है कुक हो गई है। इसमें हमें आलू और गोभी को ही चेक करना है मेन, कि ये कुक हुई है या नहीं। अगर ये कुक हो गई है तो सभी कुक हो जाएंगे। ये देखिए आलू बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, ब्रोकली तो हमारी उबली हुई थी, ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। अभी फ्लेम ऑन है, हमने फ्लेम को बंद नहीं किया है और ना ही अभी बंद करना है। अब ले लीजिए पोटैटो मैशर, अगर पोटैटो मैशर नहीं है कटोरी ग्लास से भी कर सकते हैं। अब इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा इसमें ड्राई हो जाएगा जब ये हम मैश कर रहे हैं, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। मटर तो बहुत अच्छे से कुक हो गई है, एकदम सॉफ्ट दिखाई दे रही है, ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, बिल्कुल ऐसी ही मैश की हुई सब्जियां चाहिए, तभी पराठे अच्छे बनते हैं। ये देखिए सब्जियां अच्छे से मैश हो गई है और मैश होते होते ड्राई भी हो गई हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट भून लेंगे, फ्लेम हाई कर दी है, इसे भूनने से इसमें का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। वैसे तो ड्राई हो गई है, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं भी किया तो भी चल जाएगा।
अब इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बढ़ जाएगा। और अब इसे ठंडा होने देंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है आटा गूंथ लेंगे। 1.5 कप आटा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। इसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून क्रश करके अजवाइन, 1 छोटा चम्मच तेल या फिर घी। इन सभी को मिक्स कीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, आटे को कंबाइन करते जाइए। आटा कंबाइंड हो गया है, 2 से 3 चम्मच पानी स्प्रिंकल कर दीजिए, ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट में आटा सेट हो जाएगा। आटा सेट हो गया है, फिर से गूंथ कर एक बार चिकना कर लीजिए और लोइयां बना लीजिए। तवा गर्म होने के लिए रख देंगे, फ्लेम लो कर देंगे। सब्जी ठंडी हो चुकी है और आटा भी गूंथ कर रेडी है। थोड़े बड़े साइज़ की लोइयां तैयार करेंगे। गेहूं के आटे में डस्ट करते हुए बड़ी रोटी बेल लेंगे। इसमें हल्का सा घी लगाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है, थोड़ा सा, इससे टेस्ट बढ़ेगा। घी के बदले आप तेल या बटर भी लगा सकते हैं, मेल्ट किया हुआ भी लगा सकते हैं, बिना मेल्ट किया हुआ भी लगा सकते हैं। मेल्ट किया हुआ लगाने में आसानी होती है, मैंने मेल्ट नहीं किया है। बीच में से कट कर लेंगे, बस इतना ही कट किया है। और अब ले लीजिए स्टफिंग। जितने टाइम में राउंड वाले पराठे की स्टफिंग होती है उतने ही टाइम में ये भी हो जाएगा। ये एक लेयर का, ये दूसरे लेयर का, मैं सिर्फ रख के दिखा रही हूँ, आप चाहे तो साथ में भी रख सकते हैं। और ये तीसरा लेयर, और इसमें आप अभी स्टफिंग कम ज़्यादा जैसी चाहें वैसी रख सकते हैं। इसे इस तरह से फैला लीजिए, इसे भी फैला लेंगे, मतलब सभी को फैला लेना है। आपस में चिपक भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ आपको लेयर दिखाने के लिए 3 बार में डाला है कि ये 3 लेयर में जा रही है। ये देखिए फटाफट हो गया, सब तरफ एक जैसा करिए। सिर्फ हल्की सी जो किनार है, साइड्स हैं, इन्हें छोड़ लेना है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और अब इस वाले को इसके ऊपर डालेंगे। रैप वाला पराठे आपने बनाए होंगे, सेम वही ट्रिक है, पर इसे हम बेलेंगे भी। और ये थर्ड, हाथों से प्रेस कीजिए, एक जैसा हो जाएगा। ये गेहूं के आटे में डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है, मैंने इसलिए निकाल दिया है। और अब इस तरह से हाथों से दबाइएगा, सब तरफ एक जैसा चला जाए, और एकदम हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये रैप नहीं है, रैप वाला पराठा है, ट्रिपल लेयर पराठा है। इस तरह से आप आलू का भी बना सकते हैं, मटर का भी बना सकते हैं, जो भी सब्जियों का बनाना चाहें बना सकते हैं, पर आज बन रहा है मिक्स वेज ट्रिपल लेयर पाव भाजी पराठा। ये देखिए बेल कर रेडी है, बिल्कुल एक जैसा आया है सब तरफ से। चलिए इसे सेक लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, मैं लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे। अगर नॉनस्टिक है तो घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से होने देंगे और फिर पलटेंगे। ये हो गया होगा बिल्कुल, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। इसमें घी, बटर या तेल लगा दीजिए, आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, पर थोड़ा कम भी लगाया जा सकता है, या फिर बिना घी तेल बटर के भी सेका जा सकता है। फ्लेम को मैं मीडियम कर दे रही हूँ, क्योंकि अंदर की लेयर भी अच्छे से कुक हो जाएगी उससे। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा रेडी हो रहा है। बस इसे इस तरह से दबाते जाइए चम्मच से या फिर पोटैटो मैशर से। वैसे कुछ लोग इसे पराठा सेकने वाला भी कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पराठा थोड़ा थोड़ा फूलता है, कुछ पराठे नहीं फूलेंगे, कुछ पराठे फूलेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई ऐसा है जिन्हें न्यू रेसिपीज़, न्यू पराठे बनाना पसंद है, उनके साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लेयर्स, बल्कि इसे आप 4 लेयर पराठा भी कह सकते हैं, मैं तो इसे ट्रिपल लेयर पराठा ही कहती हूँ। 1, 2, 3 और 4 लेयर हो जाते हैं इसके, पर जो स्टफिंग है वो 3 लेयर्स में ही रहती है। लीजिए तैयार है क्रिस्पी क्रिस्पी मिक्स वेज पाव भाजी पराठा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा बना है। ये देखिए इसके लेयर्स, एक
ये सेकेंड, और इसके नीचे ये लास्ट वाली। इस तरह से ये ट्रिपल लेयर स्टफ पराठा है। गरम है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट। किसी भी तरह के अचार या फिर दही के साथ सर्व कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं और फिर मुझे बताइए कैसा बना है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।